हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट यहाँ पे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पहला प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे है। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है क्या कहलाता है। तो देखिए, आपको बताना है कि जायांग का वह भाग जो कि परागकण ग्रहण करता है उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी यहां पे आप जब देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे करेक्ट कर लेना है। जब भी आप जायांग की संरचना की बात करते हैं तो देखिए, जायांग की संरचना में आपको तीन भाग दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे ऊपर होता है आपका स्टिग्मा, यानी कि इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके बाद आपका नलिकाकार भाग होता है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। इसके बाद आप देखेंगे जो सबसे निचला भाग होता है, ये होता है ओवरी या अंडाशय। तो देखिए, सबसे ऊपरी भाग जैसे ही परागकण आता है उसको कौन ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा जो है उसको ग्रहण करती है। तो परागकण का परागकण कहां ग्रहण किया जाता है, सबसे पहले तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो जायांग का कौन सा ऐसा भाग है जो परागकण ग्रहण करता है, तो आपको याद रखना है वर्तिकाग्र। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु बीजाणु जनन से बने चार गुरु बीजाणुओं में क्रियाशील गुरु बीजाणुओं की संख्या होती है। देखिए, जब गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो इसमें चार क्रियात्मक गुरु बीजाणु, देखिए यहां पे टोटल चार गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से तीन गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक ही सक्रिय एक्टिव क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनता है, जिसे हम कहते हैं यहां पे केवल और केवल एक। तो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में आप देखेंगे कि चार गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से केवल क्रियात्मक या क्रियाशील गुरु बीजाणु कितना होता है, केवल और केवल एक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पौधे में जल परागण पाया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसके अंदर वाटर पॉलिनेशन यानी कि जल परागण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेलिसनेरिया। बेलिसनेरिया के अंदर आप देखेंगे जल परागण की प्रक्रिया पाई जाती है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बाद बीजांड से बनता है। देखिए, निषेचन के बाद बीजांड से क्या बनता है। तो देखिए, जब भी निषेचन होता है किसी भी प्लांट के अंदर, तो निषेचन के बाद दो परिवर्तन मुख्य रूप से आता है, जिसमें से आप देखेंगे कि जो ओवरी या अंडाशय होता है, यह तो बदल जाता है किसमें, फ्रूट में यानी कि फल में बदल जाता है। लेकिन जो आपका निषेचन के बाद जो बीजांड होता है, यह किसमें बदल जाता है, बीज में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आवृत बीजियों में द्वि निषेचन की खोज किसने की। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इनमें डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जो कि किसी भी आवृत बीजी पादपों का इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है। तो केवल और केवल आपको याद रखना है कि जो द्वि निषेचन होता है, यह केवल और केवल आवृत बीजी पादपों के अंदर ही पाया जाता है। आपको बताना है कि आवृत बीजी पादपों में द्वि निषेचन की खोज किसने की। तो देखिए, द्वि निषेचन की खोज किसने की थी, नवाश्चिन ने की थी। ऑप्शन नंबर बी को आपको क्या कर लेना है, करेक्ट कर लेना है। तो आवृत बीजी पादपों के अंदर द्वि निषेचन की खोज किसने की थी, तो यह की थी नवाश्चिन ने। वहीं यदि केवल और केवल निषेचन की खोज आपसे पूछे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है स्ट्रासबर्गर ने। लेकिन यदि आपसे पूछे द्वि निषेचन की खोज किसने की, तो आपको लगाना है नवाश्चिन पे। अगला क्वेश्चन है, जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं। देखिए, आप बीजांड की संरचना देखे होंगे, बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। देखिए, यह मान लीजिए आपके बीजांड की संरचना है। अब इस प्रकार से जब बीजांड की संरचना में आप देखेंगे, बीजांड की संरचना में जो पराग नलिका का प्रवेश होता है वो अलग अलग जगहों से हो सकता है। तो यहां पे क्या पूछा गया है कि जब पराग नलिका अध्यावरण से होकर के प्रवेश करती है, तो बीजांड की संरचना में आप देखे होंगे कि जो ये वाली संरचना होती है और ये संरचना, ये कहलाते हैं इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण। तो अध्यावरण से जब पराग नलिका होकर के प्रवेश करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मेसोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेसोगैमी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपको यह भी याद रखना है कि जब पराग नलिका का प्रवेश कहां से होता है, माइक्रोपाइल एंड से होता है, यानी कि जब बीजांड द्वार सिरे से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो जब पराग नलिका का प्रवेश बीजांड के अंदर बीजांड द्वार से होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, यहां से यदि देखिए, पराग नलिका का प्रवेश
यदि बीजांड द्वार सिरे से होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पोरोगेमी। इसे हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं। और एक क्वेश्चन यहां से और अक्सर पूछा जाता है, मान लीजिए यदि पराग नलिका का प्रवेश निभाग या चलाजा से होता है तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी पराग नलिका यहां से प्रवेश करती है निभाग वाले सिरे से तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चलाजोगेमी। तो ये आपको याद रखना, तीनों क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से आपके घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य भ्रूण कोष में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो एक सामान्य भ्रूण कोष है यानी कि एम्ब्रियो सैक की संरचना है, एक एम्ब्रियो सैक की संरचना के अंदर आपसे पूछा गया है कि पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी भ्रूण कोष के अंदर या एम्ब्रियो सैक के अंदर या गुरु बीजाणु के अंदर आप देखेंगे केंद्रकों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु के अंदर आपको इस प्रकार से 7 कोशिकाएं दिखाई देती है और जितनी कोशिकाएं होती है उनके अंदर एक एक केंद्रक होता है। बस ये बीच वाली जो सेंटर सेल होती है, इस सेंटर सेल के अंदर 2 केंद्रक होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने हो गए यहां पे, 8। तो केंद्रकों की संख्या यदि आपसे पूछे भ्रूण कोष के अंदर तो कितनी होती है, 8। लेकिन यदि आपसे पूछे कि किसी भी भ्रूण कोष के अंदर कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है तो आपको याद रखना है कितनी, 7। तो यदि नंबर ऑफ सेल आपसे पूछे तो कितना बताना है आपको, 7। लेकिन यदि आपसे केंद्रकों की संख्या पूछे तो कितना बताना है, केंद्रकों की संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन है, पराग कण की बाएं भित्ति बनी होती है। आपको बताना है कि जो पराग कण जिसको कि हम लघु बीजाणु या हम इसे माइक्रोपाइल या आप कह सकते हैं पोलन ग्रैंड भी कहते हैं, तो पराग कण की जो बाएं भित्ति होती है ये किसकी बनी होती है। तो पराग कण की जो बाएं भित्ति होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की। यदि आपसे ये पूछे कि पराग कण की बाएं भित्ति कहलाती क्या है, तो पराग कण की बाएं भित्ति क्या कहलाती है, एग्जाइन कहलाती है। तो पराग कण की बाएं भित्ति एग्जाइन कहलाती है। और यदि आपसे पूछे कि बनी किसकी होती है, तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहां पे हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, आवृत्त बीजियों में भ्रूण कोष होता है। देखिए जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म जो होता है आपका यहां पे, एंडोस्पर्म आपको याद रखना है कैसा होता है, किसी भी आवृत्त बीजी पादप के अंदर आप देखेंगे कि जो एंडोस्पर्म होता है यानी जो भ्रूण कोष होता है ये हमेशा कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहां से आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यहां पे पूछा गया भ्रूण कोष की सूत्र गुणिता कैसी होती है, तो भ्रूण कोष होता है कैसा, यहां पे त्रिगुणित होता है यानी कि ट्रिप्लोइड होता है। यदि आपसे कभी कभी जायगोट की सूत्र गुणिता पूछ लेता है तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो जायगोट होता है, जायगोट की यदि आपसे सूत्र गुणिता पूछता है तो जायगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लोइड होता है यानी कि द्विगुणित होता है। तो जायगोट आपको याद रखना है कैसा होता है, ये हमेशा डिप्लोइड होता है। वहीं यदि आपसे पूछ ले युग्मक कैसा होता है यानी कि आपका युग्मक पूछ ले, गैमेट पूछ ले, तो युग्मक या गैमेट कैसे होते हैं हमेशा, तो गैमेट आपको याद रखना कैसे होते हैं, गैमेट हमेशा होते हैं हेप्लॉइड। कैसे होते हैं, ये हमेशा हेप्लॉइड होते हैं यानी कि आगुणित होते हैं। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, युग्मक हमेशा आगुणित होते हैं, जायगोट या युग्मनज कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है यानी द्विगुणित होता है, जबकि जो भ्रूण पोष होता है वो कैसा होता है या एंडोस्पर्म कैसा होता है, ये होता है त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड। तो किसी भी आवृत्त बीजी पादप के अंदर जो भ्रूण कोष या एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का भाग निषेचन के बाद फल भित्ति बनाता है। तो देखिए निषेचन के बाद फूल का कौन सा भाग है जो कि फल भित्ति का निर्माण करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहां पे फल भित्ति। ऑप्शन नंबर डी को यहां पे आपको बना लेना है, अंडाशय की भित्ति। देखिए जो अंडाशय की भित्ति होती है, ये अंडाशय की जो भित्ति होती है यही किसका निर्माण करती है, तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर डी कर लेना है, अंडाशय भित्ति। तो अंडाशय की जो भित्ति होती है यही किसका निर्माण करती है, ऑप्शन नंबर डी आपको बना लेना है, अंडाशय भित्ति। और अंडाशय भित्ति ही किसका निर्माण करती है, ये निर्माण करती है फल भित्ति का। तो 3 प्रकार की फल भित्तियां बनती है आप देखे होंगे, तो इस प्रकार से अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण हो जाता है, फल भित्ति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले इसका आपको राइट आंसर बता दिया है। तो देखिए द्विनिषेचन जो है केवल और केवल आवृत्त बीजियों का
यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट का इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है, यानी जो द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है जिसमें दो बार निषेचन होता है, यह क्रिया केवल और केवल आवृत बीजी पादपों के अंदर ही पाई जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक आवृत बीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है। देखिए जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होता है उस क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है, यानी क्या डेवलप होता है, आपको यह बताना है। तो आपको याद रखना है कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु से किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण कोष का निर्माण होता है, यानी कि एम्ब्रियो सैक डेवलप होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिकाएं किसके अंदर पाई जाती है, वृषण या टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। और इसका प्रमुख काम क्या होता है, जो विकसित हो रहा होता है शुक्राणु को पोषण देने का काम किसका होता है, सर्टोली कोशिकाओं का होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहां होता है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो मनुष्य में निषेचन होता है वो फीमेल के फैलोपियन नलिका में होता है, यानी कि आप इसको अंडवाहिनी नलिका भी कह सकते हैं। तो फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में या फैलोपियन नाल में निषेचन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो मनुष्यों में निषेचन कहां होता है, तो मादा की फैलोपियन नलिका के अंदर होता है। अगला प्रश्न है, एमनियन का कार्य क्या है। तो एमनियन देखिए एक प्रकार की भ्रूणीय झिल्ली होती है। यदि हम बात करते हैं मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या की, तो उसमें से एक प्रमुख भ्रूणीय झिल्ली होती है एमनियन। तो एमनियन जो होता है इसका प्रमुख काम क्या होता है, जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है उसको किसी भी प्रकार से धक्का ना पड़े, आघात ना पहुंचे, तो आघातों से सुरक्षा किसका काम होता है, एमनियन का। ये एमनियन क्या करता है कि आघातों से सुरक्षा से बचाता है किसको, किसी भी डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को, यानी कि भ्रूण को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, 28 दिन वाले रजोधर्म चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग किस दिन होता है। तो देखिए 28 दिन का मासिक चक्र या मेंसुअल साइकिल होता है, जिसमें आप देखेंगे कि 14वें दिन क्या होता है, 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है। तो आपको राइट आंसर कर लेना है ऑप्शन नंबर सी, 14वें दिन आप देखेंगे कि जो अंडाणु होता है वो अंडाशय से निकल करके बाहर कहां जाता है, यह आ जाता है अंडवाहिनी नलिका में। तो 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किसके वृषण स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं। देखिए मानव की यदि हम बात करते हैं तो मानव में जो वृषण होते हैं ये उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, कहां, वृषण कोष में स्थित होते हैं। लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है कि ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनके जो वृषण होते हैं ये हमेशा स्थायी रूप से उदर गुहा के अंदर ही स्थित रहते हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहां पे जो व्हेल मछली होती है, व्हेल मछली जो होती है इसके वृषण भी स्थायी रूप से उदर गुहा में स्थित होते हैं। इसके अलावा हाथी भी ऐसा एग्जाम्पल है जिसके जो वृषण होते हैं या टेस्टिस होती है ये कहां स्थित होते हैं, उदर गुहा में ही स्थित रहते हैं। इसके अलावा डॉल्फिन जो होती है इसके वृषण भी कहां स्थित होते हैं, उदर गुहा में ही स्थित होते हैं। यानी यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ये सभी। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, क्योंकि व्हेल मछली, हाथी और डॉल्फिन इन तीनों के ही वृषण कहां होते हैं, स्थायी रूप से हमेशा उदर गुहा में स्थित होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मैथुन के समय योनि को चिकना बनाने हेतु क्षारीय द्रव स्रावित करने वाली ग्रंथि है। यहां पे किसी ऐसे ग्रंथि का या ग्लैंड का नाम बताना है आपको जो कि मैथुन के समय एक चिकने क्षारीय द्रव का श्रावण करती है। तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा काउपर ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम होता है वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड। जब भी आप देखेंगे जो मानव का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसका डायग्राम आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि तीन प्रकार के ग्लैंड या ग्रंथियां देखने को मिलती है, जिसमें एक होता है शुक्राशय, दूसरा होता है ये काउपर ग्रंथि जिसको हम बोलते हैं वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड, और इसके अलावा एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो ये आपका याद रखना है, तीनों के तीनों जो है नर जनन तंत्र के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें से जो काउपर ग्रंथि होती है जिसको हम वाल्वो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, इसका प्रमुख काम क्या होता है, जब मैथुन की क्रिया होती है तो योनि को चिकना बनाने के लिए यह एक विशेष प्रकार के क्षारीय द्रव का श्रावण करता है, जिससे कि मैथुन की क्रिया या संभोग की क्रिया में आसानी होती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भ्रूण में श्वसन का कार्य किसके द्वारा होता है। तो किसी ऐसी रचना का आपको नाम बताना है जिसके कारण भ्रूण में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जो विकसित हो रहा भ्रूण होता है मादा के गर्भाशय के अंदर, उसमें आपको बताना है कि श्वसन की प्रक्रिया किस रचना के द्वारा या किस कोशिका के द्वारा होता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपरा कोशिका के कारण। तो अपरा कोशिका के कारण आपको याद रखना है कि जो भ्रूण में श्वसन का कार्य होता है ये अपरा कोशिका के कारण होता है।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, तो हमने पहले ही बताया आपको कि भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या मानव के अंदर होती है कितनी, चार। तो मानव में चार भ्रूणीय झिल्लियां होती है, कौन कौन सी होती है, तो एक होता है आपका एमनियॉन, दूसरा होता है कैरियन, एक होता है योक सैक और चौथा होता है एलेंटाइस। तो इस प्रकार से मानव में जो भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है वो चार होती है, कौन कौन सी, एमनियॉन, कैरियन, योक सैक और एलेंटाइस। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, चार होती है। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आपको 20 क्वेश्चन कवर कराए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं विधिवत रूप से तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पर, और आप बेहतर रूप से तैयारी करने के लिए पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 9685 29 91 49 पर, आपको बकायदे के साथ हैंड रिटन नोट दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।